आदाबर से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने कहा, वक्फ इमलाक की गुंडेवारी का मसला जल्द होगा हल, आमदनी बढ़ाने के लिए कमेटियों की होगी तश्कील, जनवरी के आखिर तक बोर्ड में शुरू होगी भर्ती। पूरे जोश व खरोश से मनाई गई यूनिवर्सिटी नाम तब्दीली की 28वीं सालगिरह। कांग्रेस और एनसीपी से नाराज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी अब नए इत्तेहादी की तलाश में, खुद के बल पर इलेक्शन लड़ने का प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े ने किया ऐलान। और मकर संक्रांति पर गैर कानूनी नायलोन मांझे का खुले आम इस्तेमाल, पुलिस की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। अब खबरें तफसील से। वक्फ इमलाक की लूट खसूट करने वाले गाजिबों और जालसाजों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, ये बात आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज से खसूसी मुलाकात में कही। इस बातचीत में उन्होंने गुंडेवारी स्कीम, वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़, आमदनी में इजाफे से मुतालिक बोर्ड के लाहे अमल पर भी रोशनी डाली। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने इस खसूसी मुलाकात में कहा कि वक्फ की आमदनी बढ़ाने के लिए जल्द ही सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाएगी। इसी तरह वक्फ अमले की कमी को पूरा करने के लिए इसी माह के अवाखिर तक भर्ती का अमल शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड अब पूरी तरह फाल और कारकर्द हो चुका है, तमाम मेंबरान वक्फ इमलाक के तहफ्फुज़ की खातिर पूरी दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं, जिसके मुस्बत नतायज बरामद होंगे। 20-21 सालों के बाद वक्फ बोर्ड के काम में आजकल बेहतरी देखी जा रही है। बॉडी भी पूरी है, चेयरमैन भी मिल गया, फुल टाइम सीईओ भी मिला हुआ है, तो अभी जो काम हो रहे हैं अच्छे काम भी सामने नतायज आ रहे हैं। इसमें एक काम ये था कि 44 NOC के ज़रिए से जो धोखा दिया गया था उसके ज़रिए जो ज़मीनात खड़क की गई, तो उसमें अब तक कितने केसेस हुए? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहली बार कई सालों के बाद में बोर्ड पूरी तरह से काम कर रहा है, फुल टाइम चेयरमैन है और करीब करीब 11 हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान हैं और सीईओ साहब भी फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सालों के बाद में ऐसा हुआ है कि इस तरह की अपॉइंटमेंट की गई। आपने बिल्कुल सही कहा, फर्जीवाड़ा हमारे नज़रें में आया है, बहुत से लोगों ने झूठी NOC बनाकर बोर्ड की प्रॉपर्टी का फर्जीवाड़ा करके हड़पने का काम करने की कोशिश की है। लेकिन जैसी हमारे पास में उसकी इन्फॉर्मेशन आई, हमने करीब करीब अभी 13 FIR दर्ज किए हैं। अभी बीड में FIR हुआ, परतूर में हुआ, और ऐसे जो भी इल्लीगल पोजीशन अगर करेगा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को फर्जीवाड़ा करके या बोगस कागज़ पत्र बना के अगर हड़प करने की कोशिश करेगा तो बोर्ड उसके बारे में बहुत सीरियस है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर तुरंत हम एक्शन लेंगे और कानूनी हमारे जो भी प्रोविज़न उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करने की हम तैयारी कर रहे हैं और इसका काम ऑलरेडी हम 13 FIR करा चुके हैं। इसमें अब तक कितने लोग हैं आरोपी? वैसे 13 FIR हुए, उसमें बहुत से आरोपी है, अलग अलग सेक्शन के तहत IPC के जो अलग अलग सेक्शन है उनके तहत उनके ऊपर गुनाह नोंद हुआ है। कुछ लोगों का PCR निकला है, कुछ लोग अभी भी जमानत पे हैं और कुछ लोग अभी भी अंदर हैं। एक चौंकाने वाली बात बीच में ये आई थी कि पूना में जो केस हुआ था ताबूत वाला, वो अभी जो केस हुआ था फर्जी वाला जो हुआ था ज़मीन एक्वायर करने के मामले में, उसमें वक्फ बोर्ड के पैनल से एक वकील का नाम था जिसको अरेस्ट किया गया, करीम शायद मकालिम नाम। तो वक्फ बोर्ड के जो वकला का पैनल था
तो इसके बारे में जो अपॉइंटमेंट होते हैं जैसे कैसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? लेकिन देखिए ये जो अपॉइंटमेंट है ये पुराना अपॉइंटमेंट है। जब ये करीब करीब मेरे को जो माहिती इन्फॉर्मेशन है 2010 या 2011 का अपॉइंटमेंट है। उस वक्त के क्या हालात थे उसके बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अभी हमने जो नए लॉयर हमारे पैनल पे लेने का काम कर रहे हैं इसको हम बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई करके कर रहे हैं। हमारे CEO साहब और बोर्ड के हमारे कुछ सीनियर मेम्बरान उसके साथ बैठ के खुद इंटरव्यू लेके हम आगे बढ़े हैं। हर किसी के डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई कर रहे हैं और जो उनसे हम वेरीफाई करके ही जो गलती पहले हुई अब वो गलती हम कोई हाल में दोहराना नहीं चाहते जो 2011-12 में किसी से हो गई होंगी, लेकिन अभी हम वो गलती को दोहराना नहीं चाहते। कोई हालत में हम वकीलों की जो भी लॉयर हमारे पैनल पर आ रहे हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन करके हम उनको अपॉइंटमेंट करने का काम कर रहे हैं जी। अभी औरंगाबाद में वक्त की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं बाजबता कॉलोनी की शक्ल में, और अभी जो है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कुंतवारी स्कीम चलाई जा रही है। तो अब ये एक मसला आ रहा है कि प्रॉपर्टी का ओनर जो वक्फ बोर्ड है और जो आपके टेनेंट हैं वहाँ पर लीजर जो है उनके सामने एक मसला खड़ा हो गया कि किस तरह का इस मसले किस तरह का हल करेंगे? वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ जी। वक्फ की एक बार वक्फ करने के बाद में ना कानूनी एतबार से उसको बेचा जा सकता ना उसको ख़रीदा जा सकता। हाँ, लीज पे देने के लॉ के प्रोविज़न के हिसाब से प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न से हटकर अगर किसी ने काम किया है तो हम उसके ऊपर कानूनी जो भी कार्रवाई करना है कार्रवाई करने का काम करें। ये अभी गुंटेवारी स्कीम जो है इसके है ये हमारे पास आई ये हमारे पास बात आई है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम हमारे पास इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम काम करेंगे जी जी जी। और दूसरा ये कि अभी जो 25 तारीख की अभी 25 मीटिंग हुई उसमें क्या अहम फैसले लिए? 25 दिसंबर को एक हमारी बोर्ड की मीटिंग पुणे में हुई थी और हम लोगों ने ये अब तय किया है कि पुणे हो और नागपुर हो औरंगाबाद में तो हमेशा होती है मीटिंग, अमरावती और भी जगह जाके वक्फ बोर्ड की मीटिंग होगी। तो 25 तारीख को कुछ अहम फैसले लिए गए, हमारे रजिस्ट्रेशन के जो पेंडिंग करीब करीब 70-75 फाइल उस दिन निकाली गई, बाकी के स्कीम के और चेंज रिपोर्ट के फाइल को हमने अप्रूव किया है और उसके साथ 2-3 बड़े अहम फैसले लिए गए किस तरह से बोर्ड का रेवेन्यू को बढ़ाया जाए जी, किस तरह से बोर्ड के फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत किया जाए, इसके ऊपर एक हम कमेटी बनाने का हमने फैसला किया है जिसमें कुछ सरकारी सीनियर जो अधिकारी है चाहे वो सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के उनका भी हम मार्गदर्शन लेंगे, हमारे बोर्ड के भी मेंबर इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। हमने ऐसी कमेटी बनाई है कि बोर्ड का रेवेन्यू को किस तरह से जनरेट किया जाए और उसी के ताल्लुक से हम आगे बढ़ के काम करेंगे। एक बहुत बड़ा संगीन मसला हमेशा से रहा है वो है गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके कब्ज़े में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड होने के बावजूद वो वहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, तामीरात होती हैं, तो हमारे वक्फ के ऑफिसर जो तमाम रिकॉर्ड होने के बावजूद वो कार्रवाई करने में नाकाम क्यों होते हैं? अभी हम वही आपको मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से वक्फ के ऑफिस पे गवर्नमेंट हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ और हम माहिती मांग रहे हैं कि कौन से वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आने के बाद में हम गवर्नमेंट को परस्यू करके उनको उनके कान पे डाल के हम इसको किस तरह से हमारी प्रॉपर्टी हमारे ताबे में वापस आए इसके लिए हम सब मिलकर ईमानदारी से कोशिश करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम तब्दीली तहरीक की 28वीं सालगिरह आज पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई गई। यूनिवर्सिटी गेट पर शहर के सियासी जमातों और तंजीमों के जानिब से जश्न मनाया गया और तहरीक के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। यूनिवर्सिटी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से मंसूब करने के लिए चलाई गई तहरीक में कई लोगों को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। तकरीबन 15 साल की जद्दोजहद के बाद 14 जनवरी 1994 को यह तहरीक कामयाब हुई। आज इस कामयाबी के 28 साल मुकम्मल हुए। इस मौके पर रियासत भर से दलित तंजीमों और जमातों से जुड़े हज़ारों अफराद यूनिवर्सिटी गेट पर जमा हुए, नाम तब्दीली का जश्न मनाया और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुतादिद लीडरों ने ADN से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर विद्यापीठाला नाम विस्तार नामांतर झाला हा आनंदाचा पण आहे आणि ज्या नामांतराकरिता जे आंबेडकरी तरुण तडफदार नेते आणि महिला भगिनी यांनी जे आहुते दिला आज त्यांच्या अभिवादनाचा पण दिवस आहे, दुःखाचा पण दिवस आहे। तरी यानिमित्त आम्ही
काँग्रेसच्या वतीनं शहर जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर अरुण शिरसाट यांना अभिवादन करतो आणि सर्व जनतेस नामिष्ठा दिनांच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। सबसे पहले तो आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ के नाम विस्तार दिन की सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे अस्मिता की लड़ाई थी, इसमें हमने हमारे बहुत से लोगों को शहादत भी देनी पड़ी, इसके लिए मैं उनको भी नमन करता हूं और आप सभी को इस दिन की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस की अनुसूचित जाति जमाती विंग और बाकी सभी महिला कांग्रेस और सभी कांग्रेस के इंटक और बाकी सभी कांग्रेस के सेल फ्रंटल डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को यहाँ पे अभिवादन किया गया नाम विस्तार दिवस के मौके पर। हम औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी लोगों को नाम विस्तार दिन की और अपने संक्रांत की बधाई देते हैं। नामांतरण हा आमचा मूळ मुद्दा होता, परंतु नाम विस्तार याचा करण्यात आला ही एक थोड्या प्रमाणात शोकांतिका आहे। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काही असे विद्यापीठ आहे की ज्या विद्यापीठाला अशा महापुरुषांचं शिक्षणसुद्धा झालं नाही आहे की त्यांचं नाव त्या विद्यापीठाला देण्यात आलं आहे। आमचा लढा हा वंचित बहुजन आघाडीमार्फत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असा होता, परंतु सत्ताधाऱ्यांनी यामध्ये खेळी केली आणि याचा नाम विस्तार केला। या घटनेचा आम्ही सुरुवातीलाही निषेध व्यक्त केला होता आणि आम्ही अशी अजूनही मागणी करतो की या विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असं नाव देण्यात आलं। आज नामांतराच्या या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आंबेडकरी चळवळीला एक नवीन दिशा देण्याच्या दृष्टीने आपण संकल्प करूया। आंबेडकरी चळवळ मराठवाड्यात महाराष्ट्रात मोठी झाली पाहिजे आणि रिपब्लिकन पक्षाची एक नवीन ताकद या महाराष्ट्रामध्ये उभी करण्याचा मी संकल्प करूया। आज आपण सगळेजण याचा आनंद घेत आहेत, मी सर्वांना याच्या शुभेच्छा देतो। काही लोकांना माहीत नाही, परंतु नामांतरासाठी काय काय घडलेलं आहे। या ठिकाणी पुतळा नव्हता, ही पुतळा बसवण्याचं काम माजी मंत्री गंगाधर गाडे साहेबांनी या ठिकाणी पुतळा बसवला। प्रशासनाची इच्छा होती की इथं पुतळा बसू नाही, परंतु गाडे साहेबांमुळे या ठिकाणी पुतळा बसलेला आहे। जय भीम जय भारत। 14 जानेवारी या दिवशी या शहीदांना अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी अनेक भीम सैनिक येत आहेत। या शहीदांना परत एकदा अभिवादन करतो। आपल्याला माहित असेल की या मराठवाड्यामधील अनेक दलित तरुण शहीद झाले, अनेकांच्या झोपड्या जाळल्या गेल्या आणि या मोठ्या संघर्षातून 17 वर्षाच्या नंतर नाम विस्तार झाला आणि म्हणूनच या शहीदांना या ठिकाणी भारतीय दलित पांथर या सामाजिक संघटनेच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साक्षीने या ठिकाणी अभिवादन करत आहोत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तार दिनानिमित्ताने वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व पदाधिकारी या नामविस्तार करण्यासाठी जे भीमसैनिक आपल्या आयुष्याची आहुती दिलेली आहे अशा सर्व हुतात्म्यांना विनम्र अभिवादन करण्यासाठी जमा झालेले आहेत। 27 जुलै 1978 मराठवाडा विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्यात यावं यासाठी विधानभवनामध्ये ठराव पारित झाला आणि त्यानंतर मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दंगली निर्माण झाली, बऱ्याच धोरणांचे घरदारं उद्ध्वस्त झाली आणि 94-90 दशकामध्ये या नामांतराच्या चळवळीमध्ये शैथिल्य आलं आणि शैथिल्य आल्यामुळे नामांतराचा लढा हा थांबला गेला। काँग्रेस और NCP से नाराज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े ने नए सियासी इत्तेहाद की तलाश का ऐलान करते हुए कहा कि खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन रिपब्लिकन पार्टी खुद के बल पर लड़ेगी। मराठवाडा विद्यापीठाला परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मिळालं, त्यानिमित्तानं दरवर्षीप्रमाणे आज देखील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला अभिवादन करण्यासाठी तो नामांतर महोत्सव साजरा केला जातो। त्या नामांतर महोत्सवामध्ये जी ज्ञानयात्रा
जे नाव मी दिलेलं आहे, हजारो लोक त्या ठिकाणी येतात. एक यात्रेचं जत्रेचं स्वरूप त्याला प्राप्त होतं आणि त्यामुळे या नामांतर महोत्सवाच्या यात्रेला मी ज्ञानयात्रा अशा प्रकारचं नाव दिलेलं आहे. या ज्ञानयात्रेमध्ये हजारोच्या संख्येने, म्हणजे कोविडचा प्रादुर्भाव असताना देखील कोविड नियमांचं पालन करून आमच्या हजारो माता भगिनी, आमची छोटी छोटी मुलं, आमचे म्हातारे गोतारे हजारोच्या संख्येने विद्यापीठाला अभिवादन करण्यासाठी आणि नामांतराच्या आंदोलनात जे भीमसैनिक शहीद झाले त्यांना अभिवादन करण्यासाठी बोलावले, आम्ही देखील त्यासाठी झालो. विद्यापीठाने नामांतर शहीदांचं स्मारक तयार करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचं मी स्वागत करतो. हे स्मारक देखील प्रेरणादायी झालं पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे. पत्रकार परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महापालिका असतील, नगरपालिका असतील, नगरपंचायत असतील, जिल्हा परिषदा असतील, पंचायत समित्या असतील, या निवडणुका पक्षाने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अशा प्रकारचा ठराव केलेला आहे. हे जरी असलं तरी इतर राजकीय पक्षांकडून जर आघाडीचा सन्मानजनक प्रस्ताव आला तर त्याचा देखील विचार आमचा पक्ष करेल हे ठरवण्यात आलं. भाजपकडून आलं तर जाणार मी, तुम्ही कोणत्या एका पक्षाचं नाव नका घेऊ. शिवसेनेकडून आला तरी आम्ही सन्मानजनक प्रस्ताव आला तर शिवसेनेसोबत आघाडी करण्याचा आमचा पक्ष तयार. कुछ दिनों से आसमान पर छाए बादलों में आज दोपहर अचानक हरकत हुई, जिसके नतीजे में शहर समेत ज़िले के कई मकामात पर बारिश और सालाबारी की इत्तला मिली है. मौसम के इस करवट ने सर्दी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है. औरंगाबाद शहर व ज़िला समेत रियासत के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता कई दिनों से मतला अबर आलूद है. दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ कमी से सर्दी बढ़ रही है. इंतहाई सर्द मौसम में लोग कपकमाने पर मजबूर हैं. सुबह देर तक मजाफाती और पहाड़ी इलाकों में गहरी कोहर देखी जा रही है. इस दरमियान आज दोपहर शहर व ज़िला के कई मकामात पर तेज़ धार बारिश और सालाबारी हुई. इस बारिश की वजह से सर्दी में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा गया. ये मौसम फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए इंतजामिया ने काश्तकारों से एहतियात बरतने की अपील की है. मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच ने सनतकार नित्यानंद भोगले के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया. एडवोकेट रवि जाधव ने एडीएस से बात करते हुए मुकदमे का पस मंजर बयान किया. नित्यानंद भोगले यांनी जातीचा द्वेष लक्षात घेऊन आणि जातीच्या द्वेषातून त्यांच्यावर बऱ्याच दिवसांपासून, म्हणण्यापेक्षा बऱ्याच वर्षापासून अत्याचार करत होते. पण ह्या 2021-22 या वर्षामध्ये त्यांचा अत्याचार खूप वाढला. तो अत्याचार खूप वाढल्यामुळं त्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्यात आलं. त्याच्यामुळं सचिन गायकवाड जे आहेत हे संबंधित पोलीस स्टेशनला, त्याच्यानंतर पोलीस आयुक्त कार्यालयात आणि लेबर कमिशनर या कार्यालयात जाऊन त्यांनी त्याच्यावर होत असलेल्या SC ST ॲक्ट आणि जो अत्याचार होत होता ॲट्रॉसिटी, तर त्या अत्याचारासंबंधी त्यांनी माहिती दिली आणि यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा, त्याच्यावर दखल घेतली जावी अशी विनंती आजही तिथं पोलीस कमिशनरला पोलिसांना केली. पण संबंधित पोलिसांनी आणि कमिशनरने या प्रकरणामध्ये कुठलीही दखल न घेतल्यामुळं माझ्यामार्फत, म्हणजे मी ॲडव्होकेट जाधव मार्फत कोर्टामध्ये जिल्हा न्यायालयात स्पेशल कोर्टात SC ST ॲक्टचे प्रकरण दाखल करण्यात आलं. त्याच्यामध्ये हा गुन्हा खरंच घडलेला आहे नित्यानंद भोगले या व्यक्तीकडून. हे जेव्हा कोर्टाच्या लक्षात आलं तेव्हा कोर्टानं त्याला इश्यू प्रोसेस ऑर्डर केलं याच्यामध्ये SC ST ॲक्टखाली. आणि हे प्रकरण जे आम्ही दाखल केलं होतं तर ते Section 3 Subsection 1 ZA आणि ZC खाली दाखल करण्यात आलं होतं. कोर्ट हॅज टेकन कॉग्निजन्स अँड कोर्ट इशू प्रोसेस अगेन्स्ट द नित्यानंद भोगले अंडर दिस ॲक्ट. आणि एवढ्या दिवसापासून जो सचिन गायकवाड यांना न्याय भेटत नव्हता, तर या आदेशाचं आम्ही खरंच म्हणजे स्वागत करतो. आणि शेवटी कोर्टातून त्यांना या प्रकरणाद्वारे न्याय भेटला असं आम्ही समजतो. नाझरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.
14 जानेवारी नामविस्तार दिनाच्या निमित्त मी औरंगाबाद शहरातील सर्व आंबेडकरी जनतेला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शुभेच्छा देतो। नंदनवन कॉलनी आणि भावसिंगपुरा या वार्डाच्या वतीनेही मी औरंगाबाद शहरातील सर्व आंबेडकर जनतेला नामांतर दिनाच्या शुभेच्छा देतो। जय भीम। मी सुरेश आयरकर, राज्य सरकारी वर्ग ड चतुर्श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ महाराष्ट्र या महासंघाचा मी राज्य उपाध्यक्ष। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ याचा नामविस्ताराचा दिवस आहे। या नामविस्तार दिवस दिनानिमित्त मी सर्व आंबेडकरवादी माझ्या बांधवांना शुभेच्छा देऊ इच्छितो। तसेच आज मकर संक्रांत आहे, या मकर संक्रांतीनिमित्त मी सर्व बांधवांना आणि भगिनींना या मकर संक्रांतीची शुभेच्छा देतो। मी या नामांतर दिनाच्या निमित्तानं माझ्या कामगार शक्ती संघटनेच्या वतीने सगळ्या नागरिकांना शुभेच्छा देतो आणि उद्याचा दिवस हा अत्यंत आनंदानं साजरा करावा, घराघरामध्ये साजरा करावा असं आवाहन करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो। उर्दू सहाफत में कामयाबी वो कामरानी के साथ एक नया संगमेल पार करने वाले रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स को 55वीं सालगिरह पर खुसरो बिरादरान शुएब खुसरो, शकीब खुसरो और जोहेब खुसरो को एडियन फैमिली की जानिब से दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद। पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा नामांतर चळवळीचे प्रणेते गंगाधर गाडेसाहेब यांच्या अथक परिश्रमाने मिळालेल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नाम विस्तार दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। प्रमुख मार्गदर्शन सौ सूर्यकांता गंगाधर गाडे, प्राचार्य तथा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी। डॉक्टर सिद्धांत गंगाधर गाडे, प्रदेश अध्यक्ष पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी। शुभेच्छुक शहर जिल्हा शाखा पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी औरंगाबाद। भाभी इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ अरे भाभी गैस तो खत्म हो रहा है, लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी हाँ हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो ये ऐप है, आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं। गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से यूपीआई द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है, कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास
आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रूपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए एक दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको UPI पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना, तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नजद हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मजीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7747883663830843747465 और 9143914371 पर राबता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हिंदुओं का अहम त्यौहार मकर संक्रांत आज पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस त्यौहार पर पतंगबाजी की रिवायत काफ़ी मकबूल है। आज लोगों ने पतंगबाजी का भरपूर लुत्फ उठाया, लेकिन नायलॉन के मांझे का खुलेआम इस्तेमाल कई लोगों के लिए मुसीबत साबित हुआ। मकर संक्रांति के त्यौहार पर आज शहर के मंदिरों में खवातीन ने खुसूसी पूजा का अहतमाम किया। एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर मुबारकबाद पेश की गई। इस त्यौहार में पतंग उड़ाने की रिवायत मकबूल है। आज दिन भर शहर के आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों का दिलकश नज़ारा था। हजारों शहरियान, बच्चे, जवान, बूढ़े, हत्ता के खवातीन व लड़कियाँ भी पतंग उड़ाने के लिए छतों पर नजर आई। इस दौरान पतंगबाजों ने खुले आम नायलॉन का खतरनाक मांझा भी इस्तेमाल किया। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नायलॉन के मांझे से इलेक्ट्रिक वायरों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। कई गाड़ी सवार इसकी जद में आए। खुशकिस्मती से कोई बड़ा जानलेवा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग मामूली ज़ख्मी भी हुए। कुछ दिनों से शहर में पुलिस ने नायलॉन मांझे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन आज का नज़ारा देखने से ये पता चलता है कि ये कार्रवाई महज दिखावा थी। कई पतंग की दुकानों पर खुले आम नायलॉन का मांझा बेचा जा रहा था, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आज शहर पुलिस के पास वक्त नहीं था। शायद पुलिस को इस जानलेवा मांझे से किसी बड़े हादसे का इंतजार है, इसके बाद ही पुलिस को होश आएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आज यूनिवर्सिटी नाम तब्दीली तहरीक की सालगिरह पर एक अहम कदम उठाया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जानिब से नाम तब्दीली तहरीक के शहीदों की यादगार के तामीरी काम का आज संगे बुनियाद रखा गया। यूनिवर्सिटी के नाम तब्दीली तहरीक में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में ये यादगार तामीर की जा रही है। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने इसका संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि ये शहीद स्मारक जल्द से जल्द तामीर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी गेट को खूबसूरत बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये खर्च करके काम किया जा रहा है। इस मौके पर सूर्यकांता गाड़े, विश्वदानंद बोधी महाथेरो, कांग्रेस के अरुण सिरसाठ, शिवसेना के विजय बुकड़े, सीनेट मेंबर राहुल मस्के, सुनील मगरे के अलावा अंबेडकर तहरीक के सरगरम अराकीन और शहरियान भी मौजूद थे। आपल्याला माहिती आहे हा सुंदर कॅम्पस जवळपास 725 एकर्स आहे। हे जे समोर गेट दिसत आहे हे आता एक गेट राहिलेलं नाही, हे प्रवेशद्वार राहिलेलं नाही, हे एक श्रद्धास्थान आहे।
त्याचं जतन करणं विद्यापीठाला आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्ही या गेटचं सुशोभीकरण करतो आहे. तो प्रकल्प आम्ही हाती घेतला आहे. जवळपास 2 करोड रुपयाचा तो प्रकल्प आहे. त्याचं टेंडरिंग झालं आहे आणि लवकरच आम्ही हे काम सुरू करतो आहे. आणि मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रातलं कुठल्याही विद्यापीठाचं प्रवेशद्वार इतकं सुशोभित नसेल, इतकं चांगलं नसेल, तेवढं आमच्या विद्यापीठाचं लवकरच तयार होईल. आज ऋषी साहेबांना मोलाचं मार्गदर्शन तुम्हाला केलेलं आहे. त्यांच्या हस्ते नामांतर शहीदासाठी जे स्मारक होते आहे त्याचं भूमिपूजन झालं आहे. लवकरात लवकर ते काम सुरू करणार आहे. माझी या निमित्तानं त्यांचं खूप खूप अभिनंदन, माझ्या मुलांचंही अभिनंदन. पण एक गोष्ट इथे सांगू इच्छिते की बाबासाहेबांनी शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मंत्र दिलेला आहे. तेव्हा गव्हर्नमेंटने शाळा बंद केलेल्या आहे. आमची आग्रहाची विनंती आहे की आमच्या मुलांना शाळा सुरू कराव्यात आणि हे शिक्षणामुळेच हे सगळं घडू शकते. हाच एक संदेश मला द्यायचा आहे. आणि परत नामांतरासाठी गाडेसाहेबांनी काय केलं हे तुम्हा सर्वांना माहिती आहे. मी तर घरची होते, मी नोकरी करणारी बाई होते. तेव्हा साहेबांनी हे सगळं स्मारक उभं केलं आहे, तुम्हाला आहे. माझ्या कार्यकर्त्यांनी, माझ्या मुलांनी, माझ्या तरुणांनी, माझ्या तरुण मुलींनी हे पुढे न्यावं यासाठी हे प्रेरणादायी ठरावं यासाठीच हे सगळं साहेबांनी उभं केलेलं आहे. तेव्हा आपणास विनंती आहे की शिक्षणाचं जे आहे ते माझ्या मोठ्या मोठ्या साहेबांनी जाऊन मंत्रालयाला बोलून शिक्षण विद्यार्थ्यांचं सुरू करावं एवढीच अपेक्षा करते. आणि सर्वांना नामांतर दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि मी साहेबांना सांगितलं आहे की माझ्या वतीने काही इथे फूल नाही फुलाचं पान देता येईल तर तेही मी देते. ऋषी साहेबांनी मला बोलावं आणि ते सांगावं एवढं बोलते. पोलीस और फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से औरंगाबाद पूना शाहराह पर वालूद से करीब एक खौफनाक हादसा टल गया. यहाँ एक मिक्सर ट्रक का ऑयल टैंक फूटकर रास्ते पर ऑयल फैल गया था, जिसकी वजह से जानलेवा हादसों का खतरा बढ़ चुका था. कामगार चौक से वालूच की सिमत एक मिक्सर ट्रक जा रहा था, जिसके ऑयल का टैंक अचानक फूट गया और इसमें से भारी मकदार में चिकना ऑयल सड़क पर गिरने लगा. तकरीबन 500 मीटर तक मिक्सर के ड्राइवर को इसका पता नहीं चला. इसके पीछे कई गाड़ियां दौड़ रही थी लेकिन खुशकिस्मती से कोई गाड़ी इसकी जद में नहीं आई. किसी ने पुलिस को इसकी इत्तला दे दी. वालूच पुलिस थाने के इंस्पेक्टर जनार्दन साड़ुंगे ने फौरी तौर पर यहां ट्रैफिक अहलकारों को तैनात किया. वालूच फायर ब्रिगेड को तलब किया गया. फायर ब्रिगेड के अमले ने रास्ते पर पड़े ऑयल पर मिट्टी डाली. इसके बाद इस पूरे रास्ते को पानी से साफ किया गया, जिसके बाद यहां ट्रैफिक बहाल हुआ. हुकूमत ने कोविड केयर सेंटर के लिए सरकारी हॉस्टल तहवील में लेने का फैसला किया. हॉस्टल से निकाले गए तलबा की मदद के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज आगे आई. एडवोकेट अभय टॉक्साल ने एडीएन से कहा कि हॉस्टल से निकाले गए तलबा का इंतजाम सीपीआई करेगी. कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है. इसी के पेश नज़र हुकूमत ने तालीमी इदारों के हॉस्टल खाली कराने का हुक्म जारी किया. शहर में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अभी खाली पड़े, लेकिन समाज कल्याण के क्लियारक हॉस्टल में 220 तलबा ने दाखिला लिया है. हुकूमत ने एहतियातन स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए, लेकिन तलबा को हॉस्टल छोड़ने की हिदायत नहीं दी गई है. इस सूरत हाल में तलबा शशोपंज में मुब्तला हैं. तीसरी लहर में वबा फिर जोर पकड़ रही है. ऐसे में कोविड सेंटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है. म्यूनसिपल इंतजामिया ने शहर के निजी व सरकारी हॉस्टल्स का मुआयना किया. यहाँ मुकीम तलबा की तफसीलात भी हासिल की गई. अगर कोविड सेंटर के लिए तलबा को हॉस्टल छोड़ना पड़ा तो रियासत के किसी भी शहर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे तलबा की पूरी मदद करेगी. अभय टाक्साल ने कहा कि सीपीआई की जानिब से हर शहर में तलबा के क़याम और ताम का नज़म किया जाएगा. कोविड-19 दोन लाटेनंतर आता तिसरी लाट येणार, ओमिक्रॉन येणार आणि 14 दिवस मोठ्या प्रमाणामध्ये पेशंट आढळतील अशा प्रकारचं वातावरण निर्मिती करून प्रशासनानं कोणत्याही उपाययोजना न करता शासकीय वसतिगृहामधील जे विद्यार्थी होते त्यांना त्यांच्या रूम खाली करून त्या ठिकाणी हकलून लावलं, याचा मी सर्वप्रथम निषेध करतो. शिक्षण हे प्राधान्य आहे. गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. काहीही झालं कोरोनाचं की सरकार म्हणतं निर्बंध, लॉकडाऊन आणि हकलून लावणे आणि उपाशी मारणे हाच एक उपाय सरकारकडे आहे. हे सगळं करत असताना घटनेनं जो अधिकार दिलेला आहे, जगण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, त्याचं काय असा खरा प्रश्न आहे. यांच्या राहण्याची व्यवस्था सरकारने करायला पाहिजे होती, ती करावी अशी मागणी मी करतो. त्याचबरोबर आमच्या वतीनं
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष लाल आमचा शहीद भगत सिंह हॉकर्स युनियन आणि महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेतर्फे महाराष्ट्रामध्ये कुठेही कोणत्याही विद्यार्थ्याला राहण्याची अडचण असेल तर त्यांनी आम्हाला संपर्क करावा, आम्ही त्यांना निश्चितपणे मदत करण्याचा प्रयत्न करू. मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, माझा नंबर आहे 98-5096-65. आपण केव्हाही फोन करू शकता आणि महाराष्ट्र सरकारला देखील सांगणार आहे की अशा प्रकारे क्रूरपणे वागू नका. तुम्ही त्या ठिकाणी कागदावर आदेश पारित करता आणि मोकळे होता, परंतु लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण होतो, एवढंच मला सांगायचं. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिनभर की आम खबरों पर. वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने कहा, वक्फ इमलाक की गुंडेवारी का मसला जल्द होगा हल. आमदनी बढ़ाने के लिए कमेटियों की होगी तश्कील. जनवरी के आखिर तक बोर्ड में शुरू होगी भर्ती. पूरे जोश व खरोश से मनाई गई यूनिवर्सिटी नाम तब्दीली की 28वीं सालगिरह. कांग्रेस और एनसीपी से नाराज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी अब नए इत्तेहादी की तलाश में. खुद के बल पर इलेक्शन लड़ने का प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े ने किया ऐलान. और मकर संक्रांति पर गैर कानूनी नायलोन मांझे का खुले आम इस्तेमाल, पुलिस की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.